दुमका की बेटी अंकिता हत्याकांड के विरोध और न्याय की मांग को लेकर सामाजिक नेत्री सस सिम्बायसिस किड्स बरवड्डा की प्रचार्या रीना मंडल के नेतृत्व में दर्जनों महिलाओं ने जीटी रोड किसान चौक में कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में महिलाओं ने अंकिता को इंसाफ दो, आरोपियों को फांसी दो आदि नारे लगाकर विरोध जताया। इस मौके पर रीना मंडल ने कहा कि ये जघन्य अपराध है, इस तरह के अपराधियों को फांसी होनी चाहिए। किसान चौक में कैंडल मार्च निकाले क्योंकि ये जो घटना दुमका में हुआ है अंकिता के साथ बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना है और हम इस जघन्य अपराध के लिए शाहरुख को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए, इसकी हम मांग के लिए ये कैंडल मार्च निकाले हैं आज। झारखंड में देखें लगातार इस तरह की घटनाएं होती जा रही है। हाँ, यहाँ प्रशासन भी ढील है, उस तरह हम लोग का जो प्रशासन का जो कानून व्यवस्था होना चाहिए उस तरह कानून नहीं है। अगर कानून व्यवस्था स्ट्रिक्ट होती और तुरंत न्याय होता तो ये अपराध नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं जो भी अपराध होते हैं अपराध कर लेते हैं तारीख पे तारीख दिया जाता है। ऐसे अपराध की मौत के बदले मौत अगर सजा दी जाए तो शायद ये अपराध धीरे धीरे कम होने लगेंगे। क्या लग रहा है कि सरकार इस तरह घटना रोकने में विफल है क्या? हाँ, कहीं ना कहीं विफल है, तब ना बार बार ये घटनाएं होती आ रही है और इस तरह दर्दनाक घटनाएं हो रही है। किसी के घर में जाके पेट्रोल छिड़क कर एक मासूम बच्ची को सोती हुई जो मासूम बच्ची जो सोई हुई थी रात के अंधेरे में पेट्रोल छिड़क कर उसको जला के मार दिया जाना, ये कहीं ना कहीं उसमें डर नहीं है, खौफ नहीं है, तब ना ये कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब कानून मतलब चुक है हमारी सरकार की, तब ना ये सब अपराध हो रहे हैं। क्या यहाँ सब संदेश दे रहे सरकार को? देखिए, सरकार को हम ये संदेश देना चाह रहे हैं जो भी कार्रवाई कीजिए जल्द से जल्द कीजिए और मुजरिम को सजा दीजिए। और मेरा संदेश लड़कियों को लिए भी है कि लड़की को अपना रोल मॉडल स्वयं बनना पड़ेगा, स्वयं ताकतवर बनना पड़ेगा, तभी वो अपने आप को सुरक्षित रख पाएगी।